इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर, जहां पर हासपुर गांव में एक चोरी की वारदात को अंजाम देने कुछ लोग आते हैं और एक परिवार के साथ बहरहमी से मारपीट करते हैं, सलियों से, रोड से। तो आप देख सकते हो कि इनके जो किसी के सर में लगी है, किसी के हाथ टूट गया है, तो किसी के कहीं लगी है। जो यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ युवक जो ट्रैक्टर ट्राली लेके आते हैं, लेकिन जब घर में परिवार के सदस्य जग जाते हैं तो इनके साथ बहरहमी से मारपीट की जाती है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह इनके साथ मारपीट की गई है, कौन कौन इस जघन्य अपराध में शामिल हैं। जी बताएं, क्या घटनाक्रम रहा, कितनी तारीख का घटनाक्रम है ये? सर 26 तारीख को करीबन 11 बजे लोग आते हैं ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के, कम से कम सर 10-15 जने लोग आते हैं और चोरी की घटना के चोरी की नियत से आते हैं। मेरी मम्मी जब जग जाते तो सर उनको भी सलिए की राड से, लोहे से, डंडे से पीटते। इस दौरान मेरे पापा जगते तो उनको भी हाथ पे ऐसा मारा कि वो भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। और जब मैं उठ के आता हूँ सर तो इस प्रकार मेरे भी माथे में लोहे के राड से ऐसा मारा कि 8 टाँके आए हुए सर। और इस प्रकार मेरे भाभी साहब, मेरी मम्मी के मंगलसूत्र की माला जो गले में थी वो छीन के ले गए। सीमेंट की चोरी की घटना के हिसाब से आए थे और सभी को, मतलब उन्होंने जो हाथ में आया जिससे मारे थे सभी को बेहोश करके सभी को मार के चले गए। कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, पूर्व में भी क्या चोरी की घटना में शामिल थे, क्या है? जी सर, ये गांव हासपुर में जो पहले जितनी भी चोरियां घटना हुई उनमें सर सभी में शामिल है, सभी में धराए हुए हैं। शासकीय हाईस्कूल हासपुर की चोरी में भी सर इन लोगों का नाम है। एक डीपी गैंग के नाम से प्रसिद्ध ये लोग हैं सर, जो आए दिनों डीपीओ के तेल वगैरह और मोटरसाइकिलों और स्कूलों में चोरी का काम करते रहते हैं। गाँव के हैं ये सदस्य? जी सर, हासपुर डांगड़ी गाँव के हैं, नई आबादी के हैं सर। हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम रहा उस दिन, आपके कहाँ कहाँ चोट आई, क्या? मेरा हाथ पे बहुत ज़ोर से चोट आई। जब मैं उठ के आई तो मम्मी, हमारे ससुर जी और सासू जी को मार रहे थे, तो मैं उठ के आई तो मेरे भी बहुत लोहे के डंडे से मारा, तो मेरे 7 टाँके आए उंगली में और मेरे हाथ में भी लगी और सिर में भी लगी। अच्छा, सबसे पहले बताया जा रहा है कि आप ही उठे थे, आप उठे थे तब क्या नज़ारा देखा था और किन लोगों ने मारपीट करी? मैं उठी तो मैंने देखा कि ट्राली ट्रैक्टर उबा है और वो सीमेंट वाला घर के ताला तोड़ चुके थे। और मैं बोली कि क्या है रे कमलेश, क्या है? तो वो कमलेश ने इशारा करा और वो दौड़ के आए और मेरे को मारने लग गए और मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। और फिर मेरे बाप, मैंने चिल्लाई कि और मारना की रे, मारना की रे। तो फिर ये उठ के आए, तो ये उठ के आए जैसे इनके हाथ में भी मार, इस इनका भी हाथ तोड़ दिया। और ये और बाप रे मारना कर रहे, कौन है रे करते करते जब तक, तो फिर ये मेरा लड़का उठ के आया तो इसके सिर में ना का, इसको तो मार बेहोश कर दिया। अच्छा, मतलब आप सभी को जानते हैं, मतलब जो शक्ल से आप बता रहे हैं नाम? शक्ल से 3-4 जना को जानते हैं और सब छोटे मोटे थे, उनको हम पहचानते नहीं, वो भी उनके परिवार वाले थे। अच्छा, और कुछ आपके सोने के गहने वगैरह कुछ ले गए हैं, सब बता? हमारी मेरी बहू के सोने की माला ले गए। अच्छा, कितने की माला है वो? वो 12 मोती है और दो नाके का पेंडिल है। अच्छा। और यूँ गराम की ध्यान। अभी हाथ में कहाँ का चोट लगी, फ्रैक्चर है कि क्या है? हाथ में ये अंगूठा तो बिल्कुल पिंचर हो गया, इसका ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन होगा। और ये हाथ में तीनों उंगली कट गई है और ये हाथ यहाँ से पिंचर है और पाँव में भी लगी, पर पाँव में अंजूठ चोट है, वो तो मतलब दिख नहीं रही है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी उंगली भी फ्रैक्चर हो गई, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और पाँव में भी चोट आई है। जी आप बताएं कि कहाँ कहाँ के जो उसमें शामिल थे, क्या वारदात? डांगड़ी के सभी चोर थे सर। आप कोई नाम बता रहे थे, कौन सी गैंग के नाम से? ये डीपी गैंग के नाम से है सर। इनमें हमने पहचाना इनमें से कमलेश, मनोहर, मनीष, घनश्याम, बगदीराम, देवीलाल, रमेश, रोहित, सूरजमल, कन्हैयालाल, राहुल, सत्यनारायण, ये सभी इस काम में संदिग्ध है। काई काई से मारपीट करी आपके जो इतने गहरी है सर? लोहे के सलिए। हाँ सर। मनासा थाने पे आपने आवेदन दिया है कि क्या? आवेदन दिया सर, जिस रात को हम वहाँ ले गए थे वहाँ भी आवेदन दिया हमने, लेकिन अब वहाँ भी 5-6 नाम लिखे, हमने बोले नाम लेकिन उन्होंने सभी नाम नहीं लिखे, इतने नाम लिखने से क्या फ़ायदा, और उन्होंने कम नाम लिखे और अभी तक उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे घर के बाहर निकलते हैं, टट्टा करते हैं, दूसरे दिन भी उन्होंने हमारे घर पे पथराव किया, दूसरे दिन भी हमने मना थाने पे रिपोर्ट दी कि ये इसी ढंग से फिर वारदात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे से कोई नहीं आया। अभी आप एडिशनल एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मैं शीघ्र ही कार्रवाई करूँगा, आप घर जाइए। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके साथ बहरहमी से रोड और सलिए से मारपीट की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके हाथ पाँव, किसी के सर में चोट है,
इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है कि इनके जो हाथ पांव फ्रैक्चर हो गए हैं। अब इसमें पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है और इसमें मनासा थाने पर भी इन्होंने आवेदन दिया था, जिस पर इन्होंने इनका कहना है कि इनको संतुष्टिपूर्वक वहां से कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर यहां आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे हैं और एडिशनल एसपी से मुलाकात करी है और उस पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किलोरिया।